हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रजनी 007 मैथ्स ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड, आज का पजलट्रिक्स नंबर 5.6, चलिए देखते क्या है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का पजल है, इफ 16+3 = 5, 36+4 = 10, 81+5 = 20, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 169+6। आंसर दिस इफ यू आर स्मार्ट एंड अफियर। फ्रेंड, आप भी वीडियो को पॉज करके एक ट्राई जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। हो फ्रेंड, अब तक आपने ट्राई कर लिए होंगे, आप कॉमेंट और फीडबैक शेयर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन देखते हैं। हे फ्रेंड्स, तो ये आज का रीजनिंग मैथ पजल है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। फ्रेंड, आप सबसे पहले ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर 16, 36, 81, 169, ये किसी का स्क्वायर है, राइट? तो 16 का किसका है स्क्वायर? 4 का। 36 है आपका 6 का एंड 81 है आपका 9 का। स्क्वायर रूट हम पहले निकाल लेंगे। फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो सेकेंड नंबर है 3, यहाँ पे सेकेंड नंबर है 4 और यहाँ पे सेकेंड नंबर है 5, उसको हम कर देंगे सबट्रैक्ट। 4-3 हो गया 1, 6-4 हो गया 2, 9-5 हो गया 4, राइट फ्रेंड? अब नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई विद 5। तो आप देख सकते हो गया 5 है फ्रेंड, ये हो गया 10 एंड दिस इज 20, द सेम नंबर। तो यही ट्रिक्स फ्रेंड अप्लाई करेंगे और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 169 किसका होगा फिर 13 स्क्वायर रूट, सेकेंड नंबर है यहाँ पे 6, 13 माइनस 6 हो गया फ्रेंड 7, राइट? अब 7 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सब में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35। यस फ्रेंड, इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू होगा 35। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह के फेमस मजेदार ट्रिकी पजल विद सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।